आज हम इस वीडियो में लुसेंट सामान्य हिंदी के चैप्टर संधि से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अथवा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को जो है हम लोग संधि कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंदन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंदन में जो प्रयुक्त संधि का जो नाम है वह दीर्घ संधि है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में जो संधि है वह दीर्घ संधि है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में जो प्रयुक्त संधि है वह स्वर संधि है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से जो है पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है वो संधि है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वह जो शब्द है वह गुरु प्रदेश है जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वह वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो निम्न में से जो है वह दैत्यरी जो है यह संधि जो है युक्त पद है, बाकी जो सब है वह नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में जो है अयादि संधि प्रयुक्त है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है इति प्लस आदि है। तो दीर्घी इति होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इति प्लस आदि जो है इत्यादि शब्द का जो है सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निर्थक का सही संधि विच्छेद जो है निरा प्लस अर्थक है। तो यह जो ऑप्शन सी सही है, निरा प्लस अर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनेश का सही संधि विच्छेद है। तो धनेश का सही संधि विच्छेद जो है वह धारा प्लस इस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, धारा प्लस इस जो है धनेश का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद जो है निरा प्लस आशा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, निरा प्लस आशा निराशा का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो महा प्लस उष्ण जो है महोष्ण का जो है सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद जो है आशी प्लस वाद है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महेश का संधि विच्छेद क्या है। तो महा प्लस ईस जो है महेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद जो है सत प्लस मति है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनव्यय का सही संधि विच्छेद है। तो अनव्यय का सही संधि विच्छेद जो है अनु प्लस अय है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वह गुण संधि का नाम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से जो स्वर संधि का उदाहरण है वह मन्वंतर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है।
तो इसका जो सही संधि विच्छेद है निश्चल का वह नि प्लस चल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में से जो है निश्चल में जो है विसर्ग संधि है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का जो सही संधि विच्छेद है वह सप्त प्लस ऋषि है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो तपोवन में जो प्रयुक्त संधि है वह विसर्ग संधि लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो स्वागत में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वह यनम संधि है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि जो है वह व्यंजन संधि है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में से जो है रामायण में स्वर्ग संधि है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद है वह प्रति प्लस उपकार है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो यह जो है हमारे टॉप 28 क्वेश्चन थे जो कि संधि से पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।